का ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, मशाल जल चुकी है। जेल से घर आए संजय राउत बोले अब होगी एक ही शिवसेना। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को दो दिन में तीसरा झटका, एक और एमएलए ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, बस की टक्कर से 3 की मौत, 17 घायल। आदित्य ठाकरे भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल, एनसीपी से रोहित पवार लेंगे इस मार्च में हिस्सा। कोयंबटूर विस्फोट टेंडर फंडिंग केस में एनआईए का एक्शन, तमिलनाडु में 45 ठिकानों पर जारी है रेड। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बुधवार को शोध धारकों और पूर्व शासकीय सेवा में रहे विधायकों के साथ बैठक की। बता दें, बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा को एक परिवार की तरह बताया और कहा कि परिवार की चिंता सबको करनी चाहिए। इसके साथ ही कहा कि पक्ष तथा विपक्ष को एकजुटता के साथ भागीदारी निभानी चाहिए और पहली बार हुए महिला सत्र की तारीफ की। फिरोजाबाद में नामचीनी जेपी मसाले की मिलावट खोरी की खबर चलने के बाद बौखलाए मालिक मनोज मिचल ने संवाददाता को धमकी दी। जानकारी के मुताबिक इस धमकी में कहा गया कि कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। बता दें, हल्दी में लेड क्रोमेट मिलने की खबर को प्राथमिकता के साथ प्राइम टीवी ने चलाया था। वहीं इस मामले में असिस्टेंट कमिश्नर खाद ने अपनी टीम के साथ छापेमारी कर कार्रवाई की थी और कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 0 से भरे 88 बोरे को सील कर दिया था। संभल में मोहल्ला संभल रोड बहजोई में जिला अधिकारी मनीष बंसल ने डेंगू के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत घरों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को इस बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए नगरपालिका क्षेत्र के घरों पर जाकर डेंगू के लार्वा को चेक करें और लोगों को डेंगू से बचाव के विषय में जागरूक करें। इसके साथ ही जिले में एंटी लार्वा स्प्रे और फॉगिंग कार्य कराया जाना चाहिए। आज मेरे द्वारा ईओ बहजोई और जिला मलेरिया अधिकारी के साथ बहजोई नगर में कुछ क्षेत्रों का भ्रमण किया गया और डेंगू के संबंध में जो तैयारियां फील्ड स्तर पर की जा रही हैं उसकी समीक्षा की गई। यह देखा गया कि किस प्रकार से जहां जहां पर डेंगू के मरीज आए हैं क्या वहां पर प्रॉपर साफ सफाई और फॉगिंग की प्रक्रिया की जा रही है या नहीं की जा रही। साथ ही साथ वहां के परिवार के लोगों से और आसपास के लोगों से मिलकर उनको जागरूक किया गया कि वो अपने घरों के आसपास किसी पुराने गमले में, किसी कंटेनर में, किसी टायर में या किसी भी प्रकार के ऐसे पात्र में जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है अक्सर, उसको जरूर देख लें, उसमें पानी खाली करवा दें। प्रतापगढ़ में यातायात के नियमों को पालन कराने व सड़क सुरक्षा को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को सीट बेल्ट बांधने, हेलमेट पहनने, ओवरलोडिंग ना करने व अधिक तेजी से वाहनों को नहीं चलाने की बात कही गई। साथ ही यातायात के नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। इसके साथ ही नाटक के माध्यम से वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग कितना जानलेवा हो सकता है ये भी दर्शाया गया। इस नाटक के जरिए सड़क दुर्घटना में घायल
लोगों की मदद करने के लिए पहल की गई कि किस तरह हम दूसरों की मदद करके उनकी जान बचा सकते हैं। कुशीनगर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में कहासुनी होने लगी और जिसके बाद कसिया के डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के द्वारा बीच बचाव करते समय उनके लाइसेंसी पिस्टल से गोली चल गई। हालांकि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ, वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार करते हुए पिस्टल को जब्त किया है। कसिया थाना के क्षेत्र के अंतर्गत एक जमीन विवाद के संदर्भ में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई थी। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर तत्काल स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया गया। इसमें डॉक्टर संजीव हैं, जिनके पास उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर है, उन्होंने उसको विपक्षी के ऊपर तान दिया था और बीच बचाव के क्रम में उसमें फायरिंग की घटना हुई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके पास से लाइसेंसी जो उसकी पिस्टल है वो भी बरामद कर ली गई है। इसमें कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं है, किसी को भी गोली नहीं लगी है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह नगर पालिका कसिया कुशीनगर द्वारा 10वीं ताकि कंपाउंड में सीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। चूंकि बीच में आधी सड़क बन गई है, बीच में डॉक्टर संजीव सिंह द्वारा अवरोध पैदा किया गया है। 10 दिन से सड़क नहीं बन रही थी तो अगल बगल के दुकानदार परेशान थे। उन लोगों ने जब सड़क बनना स्टार्ट हुआ पुनः ईओ के नेतृत्व में, तो डॉक्टर संजीव कुमार सिंह मौके पे आके सड़क रोक दिए। फिर दुकानदारों द्वारा हमको मौके पे बुलाया गया, क्योंकि पूर्व में मैंने ही पंचायत किया था। गाजियाबाद में प्रस्तावित थाना क्षेत्र के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र की पंचशील सोसाइटी में कुत्तों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जानकारी की कुत्तों ने 3 साल की मासूम पर हमला कर उसको बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसके बाद सोसाइटी के लोगों ने गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने के दौरान लोगों ने बिल्डर और गेटमैन के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं मौके पर पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया। अलीगढ़ में सासनी गेट थाना इलाके के सिरनी गेट पुलिस चौकी पक्की सराय गांव वाला चौक में शहर के व्यापारी 20,000 रुपये महीने की रंगदारी मांगी गई। बता दें, रंगदारी ना देने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और पीड़ित के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत कई बार पुलिस थाने में की जा चुकी है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ित ने इस मामले की शिकायत SSP कला निधि नैथानी से की। SSP ने कहा कि आरोपी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, बहुत जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। मामला सर ये है कि एक मोहल्ले में युवक है, क्या नाम है उनका? उसका नाम है अर्जुन माहौर, उसके पिताजी का नाम है भिखारी दास। क्या मामला है? मामला ये है सर कि वो हमसे हर त्योहार पे चोर वसूली हर महीने आकर चोर वसूली करता है, पैसे मांगता है, पैसे ना देने पे मारपीट करता है और हम उससे कुछ भी गए वो बिना फालतू में भी मारपीट करता है। मैं पहले भी उसकी रिपोर्ट 16 जुलाई को चार्जनगर थाने में लगवा चुका हूँ, फिर उन्होंने मेरा कंप्रोमाइज करा दिया क्योंकि वो लोग कहते हैं कि दोनों ही बंद होंगे, मेरे घर में कोई है नहीं, मेरी वाइफ अकेली है तो मैं बंद हो नहीं सकता, इसलिए मैं उससे कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ। परसों फिर उसने मेरे साथ ऐसे ही करा, 5 मिनट की गाड़ी करके ले गया, 4 घंटे बाद गाड़ी लाया, मैंने गाड़ी अपनी वापस मांगी तो उसने मुझसे एक साथ मारपीट करी। फिरोजाबाद में शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के नौशेरा बुझिया गांव के पास एक युवक को दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलने के बाद परिवारजनों में चीख पुकार मच गई और गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों के मुताबिक गांव के ही कुछ लोगों ने युवक की जान ली। बता दें, खेत की जमीन को लेकर दबंगों ने युवक की हत्या की, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये हमारे भाई को साजिश करता हूँ, मार दिया भैया, जमीन अमीन इसकी लिखा ली है और वो प्लॉट इनके लिखा लिए। हमें आकाश नाम के अशोक पुत्र आकाश नाम के लड़के ने हमें सूचना दी हाईवे को, उधर तब हम इधर आए तब हमें पता लगी है और वो उसे भी किसी ने बताया तब। क्या जमीनी विवाद में हत्या की गई है? क्या हाँ, जमीनी विवाद में हत्या की गई है इसकी। देखिए, ये जो है बोझिया का कट है, ये बगल में हाईवे है, यहाँ खेतों पे एक बॉडी मिली है अवनीश उर्फ ऋषि नाम के एक लड़के की जो 28 वर्ष का है,
उसके सर में गोली लगना प्रतीत हो रहा है। अभी बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सारे तथ्यों का पता लगेगा। और ये प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, तो आगे जैसे भी तहरीर प्राप्त होती है और जो भी जाँच में तथ्य प्रकाश आएंगे, तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की जो भी है विधिक कार्रवाई उसी के अनुसार की जाएगी। अलीगढ़ में अकराबाद थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें, सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कहाँ पर हुआ था? अच्छा, कहाँ से आ रहे थे पिताजी? गांव से आ रहे, सिंगाड़े ले जाए मंडी के लिए। मंडी के लिए? कौन सी मंडी के लिए? अलीगढ़ के लिए। अब क्या कंडीशन है पिताजी की? खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।